है अंजना जी, इस देश में सारे संस्थाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है उसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे दूं। हमारे यहाँ नारायण राणे जी है जो अभी केंद्र में मंत्री है, जब वो हमारे पार्टी में थे तो उनके ऊपर किरीट सोमैया जी ने पूरे प्रूफ के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है दर्ज कराया था, उसकी इंक्वायरी शुरू होने वाली थी, वो इनके पार्टी में चले गए तो उनकी इंक्वायरी बंद हो गई। फिर टीडीपी के चार राज्यसभा सांसद है, पूरे के पूरे चार के चार इनमें चले गए, जिनमें संगीन मामलों में सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, तीनों जांच संस्थाएं जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जांच कर रही थी, वो इनके पार्टी में चले गए, साफ पाक धुले साफ निकल गए। मुकुल रॉय की केस सुनिए, आपकी पार्टी के लोग, एक सेकंड आ रही हूँ, एक सेकंड अतुल जी, आपकी पार्टी के लोग यहाँ पर देखिए कार्यकर्ता खड़े हैं, प्लकार्ड्स लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। ऐश्वर्या पालीवाल वहां से जुड़ रही है कांग्रेस मुख्यालय से, और अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, क्या नारे लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग और कितने कार्यकर्ता पहुंचे? देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अंजना। यहाँ पे सारी महिलाएं हैं जो इकट्ठा हो गई हैं, यहाँ पे अब बैठ चुकी हैं नीचे, और यहाँ बैठकर यहाँ पे अब नारेबाजी की जाएगी। देखिए, अलग अलग तरीकों के यहाँ पे बैनर्स आपको नजर आएंगे, इनफैक्ट पोस्टर्स जो हैं वो अपने शरीर पर ये लोग लगा के आए हैं। आपको देखिए यहाँ दिखेगा, सच से भाजपा डरती है, ईडी को आगे करती है, यही वो नारे हैं जो यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं। आप लोग सब ये सब यहाँ नारेबाजी की तैयारी करके आए हैं क्या? यहाँ से चल के जाने का भी प्रोग्राम है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ईडी तक जाने का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम जी है। अगर बाहर पुलिस रोकती है तो आप लोगों का प्रोग्राम रहेगा आगे बढ़ते रहने? बढ़ते रहेंगे हम लोग आगे, कितना भी पुलिस रोके मारे कुछ भी करे, बट अभी आज आगे बढ़ना है। दूसरी तरफ देखिए, तस्वीरें आपको नजर आएंगी, ये कांग्रेस मुख्यालय से आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। ये सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पे एकत्र हो चुकी हैं, और इनका कहना है चाहे पुलिस रोके, चाहे लड़ना पड़े, चाहे कुछ हो जाए, आज ये सब सोनिया गांधी के साथ अंजना मार्च करने के लिए ईडी दफ्तर तक तैयार हैं। बिल्कुल, एक बार जल्दी से जो अन्य रिपोर्टर्स हैं उनको भी दिखाइए, ये तो पूरा दिख रहा है अंदर में, कोई कांग्रेस का झंडा लेकर, कोई प्लकार्ड लेकर। अरविंद ओझा, आज खास बात यह है कि राहुल गांधी की जब पूछताछ हो रही थी तो पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा था, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है, और कांग्रेसी कार्यकर्ता और खास तौर पर जो ऐश्वर्या दिखा रही हैं, महिलाएं जुट रही हैं, सोनिया गांधी से पूछताछ है तो महिलाएं जुट रही हैं। जी बिल्कुल, महिलाएं जुट रही हैं, लेकिन आपको बताऊं साफ साफ ये भी कि आज तक को जो नई दिल्ली इलाके की डीसीपी है उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की किसी तरह की परमिशन नहीं ली है, यानी कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है और भारी भीड़ आती है तो पुलिस का एक्शन देखने को मिल सकता है, अप्रिहेंशन कर सकती है, प्रिवेंसिव डिटेंशन वो दिल्ली पुलिस कर सकती है। इन सबके बीच ईडी दफ्तर में क्या माहौल है जरा अंजना आप वो देखिए, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वो तैनात कर दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, जो भी शख्स अगर अंदर जा रहा है, और यहाँ से ईडी दफ्तर तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहीं पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, क्योंकि जब इसके पहले जब राहुल गांधी ईडी के सामने जब पेश हो रहे थे तो इसी जगह जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता वो यहाँ पर आ गए थे, हंगामा करने लगे थे, और क्योंकि कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता वो ईडी दफ्तर तक न पहुंच पाए, इस वजह से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान है। और पूरे नई दिल्ली इलाके में क्या हाल है, ट्रैफिक कचरा क्या भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, ट्रैफिक चल रहा है, और पहले ही कल दिल्ली पुलिस ने ये कह दिया था कि बारिश जो ट्रैफिक है वो नई दिल्ली, ट्रैफिक अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था, एक तो बारिश, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम, ये बैरिकेडिंग, आज का गुरुवार तो बहुत परेशानियों वाला है दिल्ली वालों के लिए। लेकिन ये बताइए कि जो टीम है जो ईडी की पूछताछ कर रही है उस टीम के बारे में क्या जानकारी है, क्या वही टीम है जो राहुल गांधी से पूछताछ कर रही थी, कौन से लोग हैं, क्या माना जाए कि लंबी पूछताछ होगी, ईडी की पूछताछ के बारे में क्या बताएंगे? इसमें एक एडिशनल डायरेक्टर लेवल के अधिकारी है वो पूछताछ करेंगे।